हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो जैसा आप जानते हैं कि यह है आपका अपना चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है एनटी यूजीसी नेट की फुल प्रिपरेशन, जिसमें भी अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट अगर आपने प्रेफर किया हुआ है तो आपको फुल डिटेल यहाँ पर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग मिलेगी। बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हैं, यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर कुछ भी आप लोगों ने मिस किया है तो जल्दी से प्लेलिस्ट पर जाइए और गो थ्रू कर लीजिए। सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट से आपका रिव्यू हो जाएगा और इवन पेपर वन के भी बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे पेपर वन की सीरीज में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन कि आज क्या कहता है हमारा रिटेल मार्केटिंग। और यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके गाइस, तो व्हाट इज द रिटेल मार्केटिंग, हम इस पर बात करने वाले हैं और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि रिटेल मिक्स क्या होता है और रिटेल फॉर्मेट क्या होता है। सो गाइस, रिटेल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एक चीज हमारे माइंड में जरूर आती है कि रिटेल दैट मींस कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक वो पार्ट होता है जहां से कस्टमर डायरेक्टली अपने लिए जो सामान है वो परचेज करता है, वो होते हैं आपके रिटेल स्टोर। राइट, सभी जानते हो, सभी ने मार्केटिंग की हुई है, सभी ने मार्केटिंग इन द सेंस की शॉपिंग की हुई है, रिटेल शॉप में सभी गए होंगे। बस वही चीज यहाँ पर भी है, बस इसी चीज को अब हम थोड़ा सा इमेजिन करके देखने वाले हैं। सो रिटेल मार्केटिंग ट्रेडिशनली रिफर्स टू हाउ रिटेलर्स प्रमोट देयर फिजिकल स्टोर्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये जो रिटेल मार्केटिंग है ये बताती है कि कैसे एक रिटेलर जो है वो प्रमोट करता है अपने फिजिकल स्टोर को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को। So retailers have been responsible for marketing and selling their goods. They have purchased from the wholesalers and designers. Even आप देखो कि retail shop जो है वो आजकल एक अपने आप में एक अलग trend बन चुका है। इतने ही different kind of आपको retail stores मिलेंगे जो आपको automatically बाहर से ही attract करते हैं कि आप वहाँ जाइए और shopping कीजिए। So retail mix की अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रिटेल के बारे में, देन हम बात करेंगे रिटेल मिक्स के बारे में। सो रिटेल इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट। राइट, रिटेल का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर अपने जो गुड्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं। हम यहाँ पर मॉल की बात करते हैं, हम मार्केट की बात करते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं। इन सभी जगहों से हम क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पर हम जाते हैं और वॉट एवर द प्रोडक्ट्स वी वांट टू परचेस हम वो सारे के सारे वहां से परचेस कर लाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और ये जो रहता है हम स्मॉल क्वांटिटी में लेकर आते हैं। देखो, अगर हमको मैन्युफैक्चरर से परचेस करना होता है तो वो होलसेलर परचेस करते हैं, बिकॉज वो एक आपका यूज अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। बट वी वॉन्ट कि हमको क्या करना है कि हमको अगर शैम्पू चाहिए तो हम एक या दो बॉटल शैम्पू की परचेस करेंगे, हम 10 या 12 बॉटल्स तो नहीं परचेस करेंगे ना। सो वी आर परचेसिंग इट फ्रॉम द रिटेल स्टोर, हम उसको रिटेल स्टोर से प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली रिटेल स्टोर जो रहते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए ही बनाए जाते हैं, कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं या एंड यूजर्स के लिए ही बनाए जाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं ना, अपने गुड्स जो रहते हैं वो परचेज करते हैं अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी अपने कंजप्शंस के बेसिस पर। तो वो बहुत ही लिटिल अमाउंट का रहता है, तो उसके लिए रिटेल शॉप बनाए गए कि आप लिटिल अमाउंट का जो सामान है वो वहां से परचेज कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली द रिटेल। अभी हम बात करते हैं कि रिटेल मिक्स क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि आपने 4 P's पढ़ा हुआ है, है ना, 4 P's रिलेटेड टू द मार्केटिंग मिक्स, जो आपके मार्केटिंग मिक्स में आता है। फिर इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा हुआ है 7 P's, जो कि आपके सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब उसी तरह से रिटेल मिक्स भी यहाँ पर आता है, जिसमें आप देखोगे प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन एंड पर्सोनल्स, ये यहाँ पर 2 जो है वो एक्स्ट्रा एड हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि टोटल मिला के आपके 6 P's यहाँ पर आपको रिटेल मिक्स में देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं प्राइस की, वो इस तरह से बनाई जाती है कि उनका मार्जिन उनको मिल जाए। होलसेलर से रिटेलर तक आने के बाद में बहुत सारा ऐसा का मार्जिन होता है जो उसमें एड ऑन होता चला जाता है, फिर जब कस्टमर तक पहुंचता है तो वो मार्जिन उनको ऐड हो जाए, इसके बेसिस पर आपका प्राइस डिसाइडेड होता है। देन प्रमोशंस के लिए ये यहाँ पर पर्सनल रिलेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको पता ही है लोकल लाइक बैनर्स के थ्रू या फिर पर्सनल रिलेशन के थ्रू, या फिर आप टीवीज पर भी ऐड दे सकते हैं अपने मॉल्स का या अपने रिटेल स्टोर्स का।
इसके अलावा प्लेस की अगर हम बात की जाए, और ये सारा की सारा टारगेट जो आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, कि आप अपनी बात जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सको। प्लेस लोकेशन जो है या फिर ऑपरेटिंग हाउस स्पेस जो होता है वो ऐसी जगह होता है जहां पर आपको मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मॉम्स एंड पॉप्स स्टोर्स की या फिर आपकी कन्वीनियंस स्टोर की, तो वो कहां पर होंगे, जो आपकी सोसाइटीज होती हैं उनके बाहर ही वो स्टोर्स मौजूद होते हैं जिनमें आपका जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सामान आपको परचेज करना है वो आप वहां से कर सकते हो। अगर मैं बात करूं हाइपरमार्केट की या फिर आपके मॉल की, तो वो ऐसे एरियाज में होंगे जो थोड़ा सा लार्ज एरिया स्पेस कवर करता हो, जहां पर आपको एक ही जगह के अंदर मल्टीपल शॉप्स मिल जाएं, चाहे आपको कपड़ा खरीदना हो, ग्रॉसरी खरीदना हो, बर्तन खरीदना हो, जूते खरीदना हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन परचेज देयर। तो इस तरह से प्लेस भी चूज किया जाता है आपके रिटेल मिक्स के लिए। साथ ही साथ फिर आता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, आपका प्रोडक्ट किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिर किस तरह के ब्रांड्स आप प्रेफर कर रहे हो, किस तरह की कैटेगरीज आपकी है, वो यहाँ पर देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप शॉपर स्टॉप में जाओगे तो यू विल गेट दी गुड क्वालिटीज प्रोडक्ट, जो आपको एक ब्रांडेड जो आइटम्स मिलते हैं वहाँ आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हो तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपकी लेस हो जाए, कम हो जाएगी। तो माइंड भी एक तरह से ना सेट हुआ रहता है आपके कस्टमर्स का भी। अगर प्रेजेंटेशंस की बात करें तो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है। जैसे हमने क्रॉस मर्चेंडाइजिंग की बात की थी, तो क्रॉस मर्चेंडाइजिंग यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ जो मर्चेंडाइजिंग है वो किस तरह की आपने ली हुई है, उसको किस तरह से आपने डेकोर किया हुआ है, किस तरह से आपने रखा हुआ है, वो भी अपने आप एक अलग प्रेजेंटेशन शो करता है। कहीं आपने इस तरह से सामान रख दिया कि चाय तो यहाँ रखी हुई है लेकिन कॉफी के लिए चार लाइन्स छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो बड़ा ही टिपिकल हो जाएगा। तो जितने भी आपके ऑयल्स हैं, जितने भी आपके शैम्पूज हैं, जितने भी आपकी जो सोप हैं या आटा दाल चावल जो भी है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाकर रखना ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। तो यही रिटेल मिक्स आपका बताता है। फिर पर्सनल्स में इंटरनल मार्केटिंग है, सर्विस सपोर्ट्स आपको मिल रहा है या नहीं, लाइक जो सर्विस मैन हैं या फिर जो सेल्स पर्सन है वो किस तरह के हैं, वो किस तरह से आपको टैकल कर रहे हैं, किस तरह से आपको डील कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे, इसका भी रिटेल मिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है। तो टोटल मिला के कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए विद द हेल्प ऑफ रिटेल मिक्स, यही इसका मेन टारगेट होता है। अब बात की जाती है कि कुछ ट्रेंड हैं जो रिटेलिंग्स में चल रहे हैं इंडिया में, उसकी अगर हम बात करें। रिटेलिंग आजकल बहुत ज्यादा वास्ट कैटेगरीज में फैला हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टॉप 7 ट्रेंड है, या एक पहले ये जो होता था ये अनऑर्गेनाइज होता था, कुछ भी कहीं पर भी कैसा भी रखा हुआ है डजंट मैटर, जो शॉपकीपर्स होता था या उसके साथी जो होते थे वही जाते थे और सामान प्रेफर दे देते थे। नाउ ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो चुका है, और साथ ही साथ अब तो रिटेल स्टोर इस तरह के भी हो सकते हैं जो सेल्फ सर्विसेज वाले हो चुके हैं। आप अपना कार्ट लेकर जाइए और उस कार्ट में आप अपने प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए वो आप लेते चले जाइए। तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग आ चुकी है। स्टोर का डिजाइन अपने आप में बहुत इम्पैक्ट डालता है, वो अगर अट्रैक्ट करना, लोग आजकल जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वो स्टोर्स के डिजाइन पर खर्चा कर रहे हैं। एक अच्छा खासा कंपटीशन आ चुका है, तो कॉम्पिटिशन में अगर आपको खड़ा उतरना है तो यू हैव टू मेंटेन दी स्टोर डिजाइन, स्टोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। साथ ही साथ न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग निकल कर आ चुका है, जैसे सुपरमार्केट आ चुका है आपका, हाइपरमार्केट आ चुका है। ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये अपर लेवल कैटेगरीज होती हैं जिसमें एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। मॉल का कंसेप्ट आ चुका है कि आप कोई पसंद नहीं करता है कि भरी गर्मी में तपती धूप में जाकर शॉपिंग करना, दे ऑलवेज प्रेफर कि भाई एक जगह ऐसी मिल जाए जहां पर हमारा सारा की सारा शॉपिंग हो जाए। तो यहाँ पर बंदनी भी आपको मिल जाती है, बाटा का शूज में मिल जाता है, खाने पीने का भी आइटम मिल जाता है, ग्रॉसरी भी मिल जाती है, बच्चों के टॉयज भी मिल जाते हैं, ड्रेसेस भी मिल जाती है, बुक्स भी मिल जाती है, इवन फूड कोर्ट भी मौजूद होता है। आजकल ऐसा हो चुका है न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। टेक्नोलॉजीज काफ़ी हद तक यूज़ होने लगी हैं, क्योंकि आपको भी पता है लिफ्ट्स यूज़ होती हैं, एस्केलेटर्स यूज़ होते हैं, पेमेंट के लिए डिफरेंट मोड ऑफ चीज़ें यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो चुकी हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर यानी कंज्यूमर के पैटर्न को समझकर कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइडेड होती हैं। एंड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली सबसे बड़ा पार्ट हो चुका है, इसलिए लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ आपके
सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, है ना, SRS ओपन हो रहे हैं, जिनमें सामने वाला लाइक जितने भी कस्टमर्स है वो जाकर वहां पर इंजॉय कर सकते हैं विथ फूड विथ रिलैक्सेबल लाइफ। सो ये आपके कुछ ट्रेंड है जो रिटेलिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेल फॉर्मेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, है ना। देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि हर तरह के रिटेल स्टोर से हमारा पाला पड़ा है। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे और बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आज आप पहली बार सुनो, बट जब मैं उनका मीनिंग आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा अच्छा ये है, बोले ये तो मुझे पता ही था, बस ये वाली फीलिंग आने वाली है। चलिए देखते हैं। तो कुछ स्टोर बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन स्टोर बेस्ड होते हैं और कुछ आपके सर्विस बेस्ड होते हैं रिटेल फॉर्मेट्स में, ठीक है। कुछ कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ स्टोर बेस्ड होते हैं जहां पर स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है, एक कमरा चाहिए ही चाहिए। कुछ नॉन स्टोर बेस्ड होते हैं जहां पर वी डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ प्लेस फॉर शॉपिंग, और कुछ सर्विस बेस्ड भी होते हैं। चलिए, तो स्टोर बेस्ड आपके दो तरह के होंगे, एक होगा ऑनरशिप बेस्ड और एक होगा मर्चेंडाइज बेस्ड। ऑनरशिप में आप देखोगे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं जिनकी छोटी छोटी सी जो शॉप होती है उनकी बात यहाँ पर की जाती है। चैन स्टोर्स होते हैं, चैन स्टोर्स जैसे कि एक के पीछे एक लगे हुए रहते हैं ना, जैसे किसी ने किसी को लाइक एक ऑली फ्रेम की एक चेन बनती चली जा रही है, या फिर एमवे की एक चेन बनती चली जा रही है, दैट काइंड ऑफ चैन स्टोर्स होते हैं। फ्रेंचाइजीज होती है जैसे कि मैकडोनल्ड्स या फिर पिज्जा हट की फ्रेंचाइजीज परचेज कर करके ओपन कर ली हैं, तो वो सब जो होते हैं इनका ऑनरशिप जो होता है वो किसी एक के पास होता है और बाकी सब इसमें अपना आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोऑपरेटिव स्टोर्स भी इसी तरह के होते हैं, ऑनरशिप एक के पास होगा और बाकी लोग जो है वो उस नाम का यूज करके बिजनेस को ओपन कर देते हैं। फिर होते हैं मर्चेंडाइज बेस। तो मर्चेंडाइज बेस में सामान के अनुसार रहता है, तो इसमें आपकी कन्वीनियंस मार्केट होगा, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, फैक्ट्री आउटलेट, कैटलॉग, शोरूम, ये सारे यहाँ पर आपके उपयोग होते हैं। इन सब की मीनिंग्स आपको आगे मैं बताने वाली हूँ, डोंट टू वरी, ओके। सारी चीजें बताऊंगी, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फैक्ट्री आउटलेट, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका नॉन स्टोर बेस्ड बिजनेस। अच्छा, कन्वीनियंस स्टोर को ही एक कहा जाता है मॉम्स एंड पॉप्स स्टोर्स। ज्यादातर ये वाला जो फंडा है ये लाइक US वगैरह में यूज होता है, हमारे यहाँ उसी को कन्वीनियंस स्टोर बोल दिया जाता है। नॉन स्टोर बेस्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऑनलाइन स्टोर की बात हो रही है। सो डायरेक्ट सेल्स, ईमेल ऑर्डर्स, डायरेक्ट सेल्स आप करवा सकते हो। डायरेक्ट सेल का क्या मतलब है कि आप ईमेल्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट जो वेबसाइट्स है उनके थ्रू आप परचेजिंग कर सकते हो, ईमेल ऑर्डर्स के थ्रू कर सकते हो, पोस्टल ऑर्डर्स के थ्रू आप परचेजिंग कर सकते हो, टेली मार्केटिंग कर सकते हो, या ऑटोमेटेड वेंडिंग जो होती है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हो। अब वही सर्विस की अगर बात करें तो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। बैंक हो गया, कार रेंटल लेना हो गया, या सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हो गए, ये सब सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको एक फोन कॉल पर भी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दे आर दी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात करते हैं कन्वीनियंस स्टोर। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर याद हो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि जैसे ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर कुछ छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई रहती हैं जहाँ पर आपको रोजमर्रा का सारा सामान मिल जाएगा, सब्जी, दूध, फल वगैरह और जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो, दे आर कॉल्ड एज अ कन्वीनियंस शॉप। कि बस जब जरूरत है, रात में भी जरूरत पड़ गई अगर 8 बजे तो आप उठे अपना और जाकर इस शॉप से जाकर सामान खरीद लिया, और इसी को मॉम्स एंड पॉप स्टोर भी कहा जाता है, है ना, जहाँ पर आपकी डेली मर्रा के सामान होते हैं। वही चैन ऑफ स्टोर की बात की जाए जैसे कि तनिष्क, टाटा डिजाइनर्स गोल्ड ज्वेलरी आउटलेट हो गया, रेमंड्स हो गया, या जैसा मैंने अभी कहा था ऑलिव लैम्प हो गया, या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स जो अपना एक चैन बना रहे, स्टोर का एक चैन बना रहे, आपको हर जगह पर इसी नाम से ये स्टोर मिलेगा। चाहे हम भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, इंदौर की बात करें, या फिर कहीं और सिटी की बात करें, तनिष्क के नाम से ही आपको स्टोर मिलेगा। तो वो हो गया आपका चैन ऑफ स्टोर। फ्रेंचाइजीज जस्ट लाइक अ पिज्जा हट या मैकडोनल्ड्स, वही वाला फंडा है। स्पेशलिटी स्टोर जहाँ पर जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट, एक पर्टिकुलर शॉप होती है जहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अगर मेडिसिन की शॉप है तो वहाँ मेडिसिन ही मिलेगी, स्पोर्ट्स की शॉप है तो वहाँ स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा, स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी का सामान मिलेगा, बुक स्टोर्स है तो बुक स्टोर्स मिलेगा, और अगर
पेट स्टोर्स है तो पेट से रिलेटेड वहां पर चीजें मिलेंगी, तो स्पेशलिटी स्टोर स्पेशली फॉर स्पेशल थिंग्स, नॉट अ डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैव द वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, क्लोथिंग, फूड प्रोडक्ट एक्सेट्रा अंडर वन रूफ. एक ही जगह पर आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि शॉपर्स स्टॉप्स या फिर पैंटलून की हम बात करें तो ये एक ऐसे शॉप्स हैं जहां पर आपको क्लोथ्स भी देखने को मिलेगा. एक सेक्शन क्लोथ का होगा तो दूसरा सेक्शन यहाँ पर कॉस्मेटिक का होगा, तीसरा यहाँ पर फुटवेयर का होगा, तो चौथा यहाँ पर अदर स्टेशनरीज का होगा. तो एक ही डिपार्टमेंट, एक ही शॉप के अंदर आपको अलग अलग, एक ही स्टोर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए रहते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं. नाउ सुपरमार्केट, दीज आर बिगर देन द डिपार्टमेंटल स्टोर. इट इज लुक लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर. यहाँ पर भी इसी तरह की चीजें मौजूद होती हैं, बट इट्स क्वाइट बिग, बिग फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर. ये थोड़ा सा बड़ा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपेरिजन में. ओके, जस्ट बी लाइक दैट कि दिस इज द डिपार्टमेंटल स्टोर, सो दिस इज द सुपर मार्केट. ओके, ठीक है, दिस इज द सुपर मार्केट. तो सुपर मार्केट जैसे कि बिग बाजार जो है वो सुपर मार्केट के फॉर्म में आ रहा है. दिस आर द बिगर देन द डिपार्टमेंटल स्टोर. एंड यहाँ पर जो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल कि फर्नीचर का एक अलग सेक्शन मिल गया, आपको क्लोथिंग का एक अलग सेक्शन मिल गया, आपको ग्रॉसरी का भी एक अलग सेक्शन मिल गया, या फिर फ्लोर्स ही यहाँ पर बटे हुए रहते हैं. तो दिस इज, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक अलग से सेक्शन मिल गया. तो दिस इज द बिगर देन द सुपर, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर से थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये. ठीक है, सो दिस आर द बिगर देन द डिपार्टमेंट स्टोर. और ये ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराता है, इसमें सेक्शन ऑफ गुड्स भी बहुत ज्यादा बटे हुए रहते हैं. जैसे कि नीलगिरीज ब्रांड इन द साउथ, और अपने यहाँ पर हम बात करें तो बिग बाजार जी का एक अच्छा एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि वो भी यहाँ पर इसी तरह का एक स्टोर है. वैसे वो इससे भी ज्यादा बड़ा आएगा, वो हाइपर मार्केट में आ जाएगा. ठीक है, बिग बाजार की जगह हम ये कह सकते हैं रिलायंस जो है आपका रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट इसका एग्जांपल आप ले सकते हो. बिग बाजार क्योंकि इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो रिलायंस जो है वो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो सुपर मार्केट. अब हाइपर मार्केट जो होता है ये और ज्यादा बड़े साइज में होता है. मतलब ये हो गया दिस इज द डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर इसके बाद ये वाला जो आपका आ गया ये आ गया सुपर मार्केट. इस सुपर मार्केट से भी जो बड़ा होता है ये होता है आपका हाइपर मार्केट. हाइपर मार्केट आपको लार्ज पार्किंग प्रोवाइड, द लार्ज पार्किंग देन द सुपर मार्केट एंड द डिपार्टमेंटल स्टोर. साथ ही साथ आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी ये बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराता है, जस्ट लाइक अ बिग बाजार. फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्केट में आपका रिलायंस हम ले सकते हैं, बट बिग बाजार क्योंकि इससे भी बड़ा होता है तो इट्स कम्स अंडर द हाइपर मार्केट कैटेगरी. नाउ द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल जो होता है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर. यहाँ पर आपको मॉल के अंदर हर तरह की कैटेगरीज मिलेंगी. इवन ये जो स्टोर्स हैं जैसे हाइपर मार्केट जो है ये आपको आपके शॉपिंग मॉल के अंदर मिल जाएगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी दिल्ली का डीएलएफ मॉल देख लो, या फिर आप अपना नोएडा का डीएलएफ ले लो, या फिर बैनिश मॉल ले लो, किसी भी मॉल में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको हाइपर मार्केट भी दिखेगा, है ना, हाइपर मार्केट भी आपको दिखेगा, साथ ही साथ अलग अलग पैंटलून भी आपको वहां पर दिख जाएगा, आपको वहां पर लाइक आपका मैक्स भी दिख जाएगा. तो हर कैटेगरीज की चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी. हम ये कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड द राइट मिक्स ऑफ शॉपिंग. यहाँ पर आपको सही शॉपिंग का एक मिक्स तैयार मिल जाता है. सो रिटेल स्पेस इज शार्प्ड बाय अदर रिटेलर्स हु ऑपरेट देयर रिटेल आउटलेट इंडिविजुअली. और ये यहाँ पर इंडिविजुअली अपना अपना आउटलेट तैयार करते हैं, इंडिविजुअली अपनी अपनी सारी चीजें ये करते हैं. जैसे इनमें आपने देखा कि अगर ये यहाँ पर अगर रिलायंस लिखा हुआ है तो रिलायंस का आपको सब जगह टैग दिख जाएगा कि रिलायंस से आपने लिया हुआ है. यहाँ पर आपको अगर बिग बाजार से आपने सामान लिया है तो बिग बाजार का आपको सब जगह दिख जाएगा कि बिग बाजार से सामान लिया हुआ है. बट रिटेल ये शॉपिंग मॉल्स में जिस पर्टिकुलर शॉप से आपने सामान लिया होगा वहीं का आपको बिल दिखेगा, वहीं का आपको टैग दिखेगा. ये वाला फंडा है कि बिल्डिंग एक ही है बट यहाँ पर अलग अलग शॉपिंग के लिए शॉप जो है वो डिवाइडेड होती है. जैसे कि एस जी मॉल ऑफ पुणे, पिरामिड विशाल इन मुंबई, दिल्ली का डीएलएफ मॉल हो गया, ग्रेटर नोएडा का वैनिश मॉल हो गया, और भास्कर दैनिक भास्कर मॉल हो गया. तो मतलब बहुत सारे ऐसे मॉल आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे. तो दैट इज ए शॉपिंग मॉल. फिर इसके बाद आता है डिस्काउंट स्टोर. कुछ नहीं है, सिंपल सा, कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको हर टाइम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा.
दैट स्टोर इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंट स्टोर, जैसे कि सुभिक्षा, जहाँ पर आपको हर टाइम कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ एक होता है ब्रांड फैक्ट्री, ये ब्रांड फैक्ट्री भी एक ऐसा है जहाँ पर आपको पूरे टाइम कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता ही रहता है, तो डिस्काउंट स्टोर उन्हीं को ही कहा जाता है। फैक्ट्री आउटलेट का मतलब होता है फैक्ट्री आउटलेट, यहाँ पर फैक्ट्रीज जो हैं वो होलसेलर को सामान ना देते हुए, या जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को सामान ना देते हुए अपना खुद का स्टोर ओपन कर लेते हैं और अपने खुद के रिटेल स्टोर्स में वो सामान बेचते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कम दाम पर वो लोगों को सामान बेच पाए डायरेक्टली टू द कस्टमर, जो लो प्राइस पर मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाटा, रेमंड्स, इन्होंने अपने खुद के ही फैक्ट्री आउटलेट्स खोल रखे हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर से सीधे रिटेल स्टोर तक सामान चला जाता है और यहाँ से सीधे डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है। तो थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला जो चेन वाला पार्ट होता है, तो उससे प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यही इसका मेन फंडा होता है। फिर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉम्स एंड पॉप स्टोर, जिसको हम नॉर्मल में किराना स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर भी कहते हैं, जिस पर नॉर्मल के मर्चेंडाइज आपके मिलते हैं, वही यहाँ पर भी है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोर है एक्चुअली। तो एग, ब्रेड, स्टेशनरी, टॉयज, आपका सीरियल्स, पर्स, मेडिसिन, इस तरह की जो स्टोर्स है, दैट इज कॉल्ड द मॉम्स एंड पॉप स्टोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, यही है आपका रिटेल फॉर्मेट और यही है वो सारी आपके स्टोर्स जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। बेसिकली आप कंफ्यूज ना हो तो इस बस इस चीज को ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल स्टोर से बड़ा सुपर मार्केट, सुपर मार्केट से बड़ा हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल उससे भी बड़ा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेल। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम गाइज, ज्वाइन कीजिए इसे और लाइक कीजिए वीडियो अगर पसंद आए, शेयर कीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम है तो, बेल आइकन बताइए जिससे आपको सारी के सारी अपडेट्स मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड, कीप स्टडी स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।